इसलिए मिलो सावित्री कि हमारे भाई चंदर और छोटका जोन है वो केतन और हमारे बहन अंजलि हमारे दुई भाई ये तो बहन ही हमारे और कुछ है ना सावित्री हमारे ये दुठू भाई अठू बहन ही ये नहीं सबके वजह से हम तुमसे शादी की है और हम चाहिए थे इन्हें चाहे भाभी माँ समझ के प्यार करो और चाहे महतारी समझ के प्यार करो बाकी हमारे और कुछ है ना सावित्री बस ये हमारे दुठू भाई एक बहन ही जमा पूजी और हम चाहिए थे हमारे तोहरे बीच में तीसर क्यों ना आवे तीसर मतलब खुद के बच्चे हम ना पैदा कर दे ये हमारे बच्चे हुए ये नहीं कि तुम्हें पाल पोस के बड़ा करे खे बस हमें तुमसे यह उम्मीद है कि हमारे दोनों भाई का और एक बहन का अपने महतारी से ज्यादा प्यार करबो आप बेफिक्र रहो चिंता बिल्कुल ना करो हमू के बच्चे जरूरत नहीं है जब हमारे पास इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो हमें तीसरे बच्चे की कौन जरूरत है हमारे ये दोनों देवर हमारे लड़का समान लड़का नहीं हमारे लड़के हुए और जो अंजलि ही वो तो हमारी बिटिया रानी हुए ननद रानी नहीं बिटिया रानी बस सावित्री हमें तुमसे यह उम्मीद रहा बस आज तू हमारे दिल जीत ली हो हम तुमसे शादी कहकर जान ले सफल हो गए अब हमारे भाई बहन के माँ के प्यार कभो कमी महसूस न हुए भी हो ठीक बा कभो सिकवा शिकायत नहीं पाइबो तू हमसे अच्छा भैया अब भाभी हमें सबके नीक नीक खाना बनाए के खाएंगे है ना अब हमरे सबके चोखा रोटी और चटनी रोटी नून भात ई कुल नहीं खाए के मिले ना अब हमरे सबके दाल भात रोटी तरकारी कुल मिली खाए के हां हां अंजलि बिटिया तोहरा सबके नीक नीक अब खाना खाए के मिली टेंशन ना लियो अब तहार भाभी माँ आ गई ना अब तोहरे सबके मन पसंद खाना बना बना के लई है अच्छा जाओ जाओ अब अपन अपन पढ़ाई करो सब जने जाओ अब भाभी खाना बनाई है तब सब जने आई के खाओ जाओ तीनों जने बैठ के आराम से पढ़ो ठीक है भैया 10 साल बाद अरे भाभी सवेरे से आप आरती का थाली लिए खड़ी हो कि मझिल के भैया आवे और तू उनके आरती उतारो थोड़ा सा विश्राम कर लो भाभी कुछ खा पी लो मझिल के भैया आई है तो उनके आरती उतार लिए अरे अंजलि बहनी ई दिन का तो हम 10 साल से इंतजार करत रहन कि कब हमार मझिल के देवर आवे पुलिस बनकर अहम उनके आरती उतारी आज तोहरे भैया के त्याग तपस्या सफल हो गए अरे सावित्री हमारे त्याग तपस्या नहीं तोहरो त्याग तपस्या सफल हो गए अगर तू हमारे दोनों भाई और हमारे बहन के महतारी जैसा प्यार ना देती तो शायद आज ई दिन ना देखे मिलत आज जौन कुछ है सारा मेहनत तोहरे वजह से है आज हमारे भाई पुलिस बन पा है तो तोहरे कड़ी मेहनत के वजह से सावित्री हाँ भाभी अगर आप हमारे सबके महतारी जैसा प्यार ना देती तो शायद हमारे सब ई दिन ना देखे आज हम बहुत खुश हैं आपके भाभी माँ पाई के आज भैया के खुशी का ठिकाना नहीं हुई अब भैया आउते हुई हैं झूमत लियो दोनों बहन भाई अब शुरू हो जाओ हमारी तारीफ करे खर्ची देखो हमें हमारी तारीफ नहीं पसंद है समझो ये तो हमारा कर्तव्य रहा हमारा फर्ज रहा कि हम अपने दोनों देवर के अपने ननद के अच्छे तरीके से ध्यान रखी चलो आज एक जने पुलिस बन गए घर के अब स्थिति सही हो जाए वैसे भी तहार भैया बहुत परिश्रम किए हैं बहुत मेहनत मजदूरी की है तब जाए के आज हमारे मझिल के देवर पुलिस बन पाए हैं हमारे का हम तो घर के करत रहे तहार भैया तो बाहर से हियर हियर लावत रहे हमसे महान तहार भैया है अंजलि यह कहा थे एक दूसरे के प्यार तू उनके तारीफ करो वे तुम्हारे तारीफ करें धन्य हो ऐसन जोड़ी जौन हम भैया भाभी के रूप में देखे पाएं बिल्कुल राम सीता के जैसन अच्छा अच्छा जल्दी से आओ मेरे बगली खड़ी हो हमारे देवर जी उतर हुई हैं ठीक बा भाभी ई घड़ी बीतता नहीं बा कि तब हमार भाई चंदर आवे पुलिस वर्दी में हम देखी वका जोने हमें खुशी का ठिकाना ना रहे भैया भाभी प्रणाम भैया खुश रहो हमारे भाई चंदर आज तुम्हें ये वर्दी में देख कर हमार सीना चौड़ा हो गए प्रणाम भाभी माँ खुश रहो हमारे देवर जी भगवान तुम्हें दिन दुगना रात चौगुना तरक्की दिए भैया नमस्ते अरे वाह हमारे अंजलि बहनी कितनी बड़ी हो गए पुदुक्की अस छुड़ के गए रहन अब बड़ी तो हो गए डंडा अस अरे भाभी ये तो कुल का कौन जरूरी रहा आरती वारती करे कर काहे नहीं जरूरी है हमारे देवर जी आप पूरे 10 साल बाद आयो है तो हम तहार आरती ना उतारी जरूर उतारब श्री राम से कह देना श्री राम से कह देना एक बात अकेले में श्री राम से कह देना एक बात अकेले में रोते हैं भरत भैया रोते हैं भरत भैया दिन रात अकेले में श्री राम से कह देना एक बात अकेले में रोते हैं भरत भैया दिन रात अकेले में।
बस करो भाभी बस करो, हमें पता है तोहरे सब दिने हमारे ना रहे पे कितना दुख तकलीफ उठाए हो वो, हमें अंदाजा लाग गया है भाभी, अभी दर्द भरी गाना ना गाओ, हमें पता हमरे खटी हमार भैया दिन रात रोत रहा वही है। दुख के दिन कट गया, सुख के दिन आ गए, अब हमारे भैया भाभी आराम करी हैं। अरे भैया आराम तो तब करी है ना जब घर में दूसर भौजी आई है, जब भौजी का चूल्हा चौकी छुटी, जिम्मेदारी छुटी, तब तो भौजी आराम करी है, नहीं तो भौजी तो दिन रात चूल्हा चौका जिम्मेदारी में बांध रहा थी, तो आराम ही कैसे करी है। हाँ देवर जी, अगर चाहत है कि हम घर में आराम करी सुख से रही तो एकठो हमरे खातिर प्यारी सी देवरानी आन दियो। ओहो भाभी अबहिन घरे पहुँचे नाई की तुम्हें देवरानी का जरूरत लाग, चलो ठीक बात समय हुई तो वो आई जाई। चलो चलो अच्छा जल्दी से सब जने हाथ गोड़ धो, नाश्ता करो, बहुत बढ़िया तोहरे सबके खाती हम नाश्ता बनाए हैं। हाँ भाभी तोहरे हाथे का बहुत दिन हो गए हम मिस की हम, अब हमार मन करत बा तोहरे हाथे का भरपूर नाश्ता करे का। अरे तब चल ले भैया, तोर भौजी तोरे खाती पछिलाहर में उठ के बड़ो व्यंजन बनाए हैं, कहत रही हमार देवर जी आई है खाई है तब क्यों खाई, अब हम हमारो सब नाई कुछ खाए हैं तोरे इंतजार में, चल पहले ते खा तब हमारो सब खाई। हाँ चलो भैया, कुछ महीने बाद आज तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं है, आज हम जेठान बनी गए जेठान, तब से हमारा तमन्ना रहा कि हमारे देवर हमारे लिए देवरान लेके आवे, आज तो हम जेठानी बन गए देवर जी, तुहार बहुत बहुत धन्यवाद हमें जेठानी बनावे खरती। अरे भाभी आपके आज्ञा सर आंखों पे, आप चाहत रही कि हमारी शादी हुए तो हम आपके मन नहीं तूरन शादी कई ली हम आपके वजह से, हमारे भाभी के कोनो इच्छा हुए और हम पूरा ना करी ऐसा तो है ना ही सकत है, लो भाभी आप चाहत रही कि आपके लिए एक देवरान लेके आई ताकि आपके घर के काम से छुट्टी मिले, तो चलो अब तुहार देवरान आ गई, अब तुह आराम करो, जौन करे तौन हमार पत्नी करी है। देवर हुए तो हमारे देवर यस भगवान, देवर नहीं हमने वह जन्म के जान लिया, लड़का रहो तू हमार, लड़का हमार रहो, हमारे कोठी से खाली पैदा भर नहीं भयो है, बाकी हमार बच्चा तू ही न हयो। हाँ भाभी हम सब आपके ही बच्चा हुई, आप हमें पैदा भलनाई की हुई है, बाकी सब एक माँ के तरीके से की हुई है, जोन एक महतारी अपने बच्चे के लिए कर थी, कोनो कसर नहीं छोड़ी भाभी माँ। अरे अब देवर भौजाई का प्यार मोहब्बत हो ही गए हुए तो कुछ गाय बजाई लियो जी जी, अरे धधा दखी नहीं खुशी का आगे हमरे तो भुलाई गए कि हमें अपने देवरनिया के पर्छ के अंदरों लेके चले के बा, गाओ गाओ दखी नहीं कोनो बढ़िया सा पर्छनी गीत। अरे भौजी गनवा तो तोहरे ही मुहे अच्छा लागत है, तू ही गाओ तू ही गाओ, हम
इतने जोर के अगर भूख लागे तो सवेरे उठ के बना लिया करो। कहो हम यहाँ का घर के नौकरानी नहीं हुई जो सबके आर्डर पे आर्डर मिला कर आता है। बढ़िया ही भूख लाग बाटे, अपन बनाओ खाओ, हम ना बनाई बनाई। अच्छा भैया भौजी, हम जाइत बाटे अपने काम पे, आप लोग अपन ध्यान रखियो। ठीक है केतन भैया, अपन तुम ध्यान रखियो, अब दोपहरे खाना खाए चला आयो, ठीक बाटे? हां रुत के नहीं नहीं कि बिना खाए काम करी, जब तक खाना खाए आइबो नहीं तब तक हमरो दोनों जने खाना खाप नहीं, जल्दी आयो खाना खाए। हां हां भैया जल्दी आई। अरे हमार बहिनिया, ये तोरे आंखी में आंसू का भय, काहे रुवत है? हां अंजलि बहिनी, काहे रुवत बाटे, के तोका कुछ कह दी सर? आज तलुक हम अपने अंजलि बहिनी के आंखी में आंसू नहीं देखें, ये ऐसे कैसे हमारे बहिनी के आंखी में आंसू आए गए? का भय बहिनी, कौन चीज होई गए, क्या कुछ तुहे कही सा है? हम तोरे आंखी में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकी थे, का बात बाटे? भौजी हे भौजी, हमें मजिल की भौजी बहुत कुछ सुनाई है उल्टा सीधा, और कह दी कि हम यहाँ घर के नौकरानी नहीं हुई जो सब हमें आर्डर पे आर्डर दिए रहा था, खाना मांगन कहीं आओ बनाई के खा लियो। का बात कर रही हो अंजलि बहनी, ऐसे नौ की दुल्हनिया तुमसे बतवानी से, ऐसे कही से तुमसे? हाँ भौजी, हम कहें कि हमार बड़की भौजी आज तलुक हमरे सबके कुछ कही नहीं है, अपने लड़का जैसन प्यार दुलार दी है, कभो कौनो बात नहीं कही है, तो जाना थी भौजी का औकाती काती में जाहिल गवार अनपढ़ औरत ही, हम पढ़ी लिखी मॉडल हैं। काओ कहे मझिल की भाभी भौजी के बारे में इतना अनाप शनाप कुल कही है, आए कैसे उनके हिम्मत पड़ा हमारे बड़की भौजी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोले कह? रह जाओ, हम बलाई मझिल की भौजी से पूछी, आखिर हमारे भौजी का हमारे बहनी का कैसे मन के हिम्मत पड़ा खरी खोटी सुनावे कह? भौजी हे मझिल की भौजी, का हो इतना जोर जोर से चिल्लात बाटे, हम बहिर नहीं हैं, सुनीत है। पहले ई बताओ भौजी, तुहार हिम्मत कैसे पड़ा हमारे बहन से उल्टा सीधा बात करे के, और दूसरा नंबर तू कैसे हमारे बड़की भौजी का गंवार अनपढ़ जाहिल कहियो? आए तू अपन संस्कार सभ्यता भूल सकत ही, लेकिन हमारे भौजी नाई, हमारे भौजी में तू लगबू नाई, एक जान लिहू तुहार हिम्मत कैसे पूरा हमारे भौजी का उल्टा सीधा कहे कर? पहला नंबर हमसे ऊंची आवाज में बात तो की हो ना, हम यहाँ घर के नौकरानी नहीं हुई, रानी हुई रानी, और दूसरा नंबर यहाँ घर के हमारे आदमी के वजह से घर चलत है, समझो हमसे तमीज से बात की हो। हाँ तहार बड़की भौजी हुई है जाहिल गवार अनपढ़ औरत जो तोहरे सबके झेल ली, हम ना झेल पाई समझो, हम अपने माई दादा के लाडली बिटिया रहन दुलारी, कभो कोनो काम की है नहीं रहन, लेकिन जब से यह घर में आए हैं तब से हमारे जीना दुश्वार कर दिए हो तोहरे सब जने अपन अपन आदर सुनाए के, समझो तहार भौजी बर्दाश्त करिए, हम ना बर्दाश्त करब, हमसे बात तमीज से की हो। लियो कि हम तुमसे तमीज से बात, केतन केतन
तुहार हिम्मत कैसे पूरा बा हमरे मेहरारू के तू थप्पड़ मारियो। जब तू ड्यूटी चला जाते हो तो हमारे साथ ऐसे कुल जुलूम अत्याचार हुए थे, अब तू अपने आंख देख लियो ना हमारी अगर में कौन इज्जत है। तार छोटे भाई हमारे ऊपर हाथ उठाई से। भैया केतन भैया का ये मन कौन गलती नहीं बात है। अंजलि बहनी ते बीच में ना पर ते चुप रह, हमें केतन से बात करे थे। शांत हो जा चंदर, चंदर शांत हो जा। हाँ भैया शांत हो जा, गुस्सा थूक दिया। केतन हमारे मेहरारू से ते माफी मांग। माफी मांग? माफी तो हम नहीं मांगब चंदर भैया, काहे कि सारा गलती तोहरे मेहरारू के रहा। हम कोनो गलत काम नहीं किए हैं थप्पड़ मार के। जौन शब्द बाबी के यहाँ कही है ना, अगर आपो सुनते हो तो थप्पड़ जरूर मारते हो। हम कुल नहीं सुने चाहे थे चंदर, तुहे माफी मांगे पड़ी। अगर माफी नहीं मांगो तो तुहे ये घर छोड़ के जाए पड़ी। तो ठीक है चंदर भैया, जब हम गलती नहीं किए हैं तो हम माफी नहीं मांगब, हम यह घर छोड़ के चला जाब, लेकिन इनसे माफी कभौ नहीं, कतई नहीं। तो ठीक है, ये घर का दरवाजा तोहरे लिए बंद है, निकल जाओ हमारे घर से। अरे चंदर भैया ये क्या बात बात है, ये घर हम बहुत जोड़ के रखे हैं, ऐसा ना करो, ये घर ना तोड़ो चंदर भैया। तोरे घर वालों के सामने ये हम थप्पड़ मारें और माफी नहीं मांगत है, ऊपर से तार भौजी तोरे छटके भैया के सही लेती हैं। देखो ये घर में हमार कौन कदर बा, एक पैसा कदर नहीं है। बस भाभी आग लगाई छोड़ दो भैया से, भैया सब तहार असली रूप जान जाई हैं, अभी नहीं जाना था ना, लेकिन समय आए पे तहार असली रूप का पता उन्हें तब चली, तब उन्हें बहुत पछतावा हुई। वैसे भी हम माफी तुझसे कभो नहीं मांगब, हम जाए थे घर छोड़ कर। अभी तो यह घर से एक मनई के दफा की हन है, धीरे धीरे यह घर से हर मनई के ना निकलवाए दी हन तो हमारो नाम ललका नाई। हाँ देखो यह घर के हम बर्बाद न कर दी हन, फुटमत न डाल दी हन, तबे कहो। भैया तू अच्छा नहीं किया चंदर भैया, ये तो बहुत गलत किया, केतन भैया के घर से निकाल के। चली देखी हमारे मेहरारू रोवत हुई, ओका सिखाए समझाई दी, मैं तो दिन भर रोई। आज हमरे ये बगिया में एक फूल मुरझाएगे, हमने माफ कर दिया, हम तार घर नहीं जोड़ के रख पाए, आज हमरे वजह से तार छटका भाई घर छोड़ के चला गया। छटकी दुल्हन का ऐसा नहीं करे रहा। चुप रहो सावित्री चुप रहो, एमन तुहार कोनो गलती नहीं बा, एमन गलती छोटकी दुल्हन के बा, वैसे भी छोटकी दुल्हन के ऐसा जबान नहीं करे चाही तेज, इस जबान तेज रखी है तो घर टूटत तो जाई से बाद बा। और रही बात केतन के, केतन तुहरे बारे में एको बुरा लफ्ज नहीं सुन सकत है, चलो कोनो बात नहीं, अब तो जौन परिस्थिति पड़ी तो देख ही पड़ी। अच्छा भाभी हमें ड्यूटी करे जाए बा कुछ दिन के लिए बाहर, तो अपन ध्यान रखियो और घर के ध्यान रखियो, ठीक बात है। ठीक है भैया, आप बेझिझक अपन ड्यूटी करो, इधर हम संभाल ले, घर के कोनो टेंशन ना लियो तुम। भाभी की हमार सैलरी लियो एका रखो। अरे भैया अब इकुल का जिम्मेदारी से हमें मुक्ति दियो, अब इकुल अपने दुल्हन के दियो, अपन तहार दुल्हन संभारे, अभी हमरे सब बस के बात नहीं बात है। नहीं भाभी ये जिम्मेदारी तो तू ही के लिए पड़ी, ये जिम्मेदारी मैं ना संभाली पई हां, ये तो तहार जिम्मेदारी तोहरे ही रही और यहां घर के हुकुम तोहरे ही चली, चाहे जवान हो जाए। रखो भाभी। ठीक है भैया आपन ध्यान रखियो, समय समय से खाना पानी खाए लिहाती हो। ठीक भाई भाभी चली घर। सारा जिम्मेदारी हमें दिया है, पैसा कौड़ी मलकिन ये बनी है, अब हमें कुछ न कुछ करे पड़ी, इनके यह घर से मलकैपन हटावे खरती, मलकैपन का इन्हें यह घर से हमरा फादा फाका दिया, अब जरूर हमें कुछ न कुछ गेम खेले पड़ी। बहुत हो गए सर से पानी ऊपर हो गए, हम मांगी थे पैसा तो इनके नहीं निकरत है, आइए तुरंत इन्हें पैसा लाए के दे दिया था, एको पैसा हमें दिए खेक नहीं मिला था, ना रही बांस ना बाजी बांसुरी, इनके दोनों परानी यह घर से निकल ही पड़ी। एक हफ्ते बाद अब आई ऊट पहाड़ के नीचे, जब ई सारा जेवर के चोरी का इल्जाम भैया भाभी के ऊपर लगाई, लगावे बाद उन्हें धक्का मार के यह घर से निकाला, तब मजा आई। वैसे भी इतना भारी चोरी के इल्जाम लगाए दिए बने, उनके सब अपने ही घर छोड़ के चला गई हैं, शर्मिंदगी महसूस करी हैं। जाई थे ई जेवर अपने सहेली हियां छुपाई आई, ओकरे बाद इनके भैया भौजी पे ई चोरी के इल्जाम लगाई। ई आईडिया हमार काम आई जाई, वैसे भी वे हैं नहीं बाहर गए हैं, जब लौट के आई हैं
तो कह दियो उनके भैया भाभी गईं चारों धाम। ना रही बास ना बाजी बांसुरी, ओकरे बस सारा मलकईपन हमरे हाथे में आई जाई, तब हम ऐसे जियब। एठो नंद ही जौन भाग गए अपने छटके भाई के लगे, अब घर एकदम खाली हो जाई खाली। ई घर के मलकिन बन जाबे हम, ऐसे ठाठ से रहब। कही था अबहिन सारा गलती कबूल लियो, यहीं तहार भलाई बाटे। हाँ हमार जियोर सीत कायदे से अगर चुराए हो तो निकाल के दे दियो, ना तो समझ लियो कि ई बात कहाँ तक फैली आप सोच नहीं सकती हो। अरे छटका दुलाई ने तो काव कहत बाटी, हमरे कुछ समझ में नहीं आवत बाटे। हम तहारी जेवर नहीं चुराए हैं ना दुलाई ने, हमे जेवर के कवन काम, हम का करबे तहारी जेवर। बढ़िया ही सती सावित्री बने, हमें पता है तू ई जेवर चुराए के अपने नैहरे वालन के दे दियबो, तहार नैहर वैसे दलिद्र फटीचर फकीर हैं, आटा तो नहीं खाए के, तो हमार जेवर तू चुराए के उन्हीं सबके दे दिए होबो, समझो सीट कायदे से निकाल दियो हमारी जेवर, बस यहीं भराई बार। आई जोन मगरमच्छ के आंसू रोवत हियो ना, ये आंसू का कीमत हमारे आगे कुछ नहीं बार, हमार जेवर दियो। छटका दुलहिन हमारे ऊपर भरोसा करो, हम तहारी जेवर छुएन नहीं है, चरावे तो मार दियो गोली, भगवान के लिए हमारे ऊपर ही झूठा इल्जाम ना लगाओ, ये इल्जाम हम लेके ना जी पाईब। अरे सावित्री इतना स्वर्गुल होत बा, हां काहे रोवत बाटियो। आई गए चट्टिन मेहरारू का भतार। छटका दुलहिन ये तो का कहत बाटियो, कहे से पहले सोच लिया करो कि का बोली था। हां हम सोचे हैं हम का बोली तो बा, चुपचाप करे दोनों परानी मिलके जौन हमार जेवर चुराए हो चुपचाप निकाल दियो, बस यहीं भलाई बात है। हां जेवर कैसन जेवर? ओ हो 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 बना भोला, जौन तोहरे दोनों परानी मिलके चुराए हो ओहे जेवर बा, दियो हमार। अरे छटका तू नहीं तू पगला गलाय तो नहीं दे बाती हूँ, ये कैसे तू कह दी हूँ कि हमारे दोनों परानी चुराए हैं, हमारे दोनों परानी ये सब काम नहीं कर सकी थे, समझियो तुम्हें गलत फहमी भय है। गलत फहमी तो तुम्हारे दोनों जन के भय है, इतना हमारे जेवर चुराए बाद तुम्हारे दोनों जने का सोचे हो, यह घर में रहे पाइबो? बिल्कुल नहीं रहे पाइबो, समझो। हाँ तो यह घर में हमें रहे जरूरत नहीं बात है, जहाँ हमारे मेहरारू का मान सम्मान नहीं तहाँ हम बिल्कुल नहीं रहा। चलो सावित्री अब ही हम तुम्हें कमाई के खवाए सकी थे, चलो आओ निकलो यहाँ घर से, चलो इन्हें रह गया यहाँ घर में। हाँ दफा हो जाओ हमारे ई घर से, तोरे चट्टिन चट्टा के यहाँ घर में जरूरत नहीं बा, निकल जाओ। ई तो का कहत बाटे, हाँ ये तो कौनो मियां से घर द्वार हमारे तो सिरजे हैं बनाए हैं, तो कैसे ई घर द्वार छोड़ के हमारे सब जाए सका जात है, और कहाँ जावा जाई ये का तो पहले सोच लियो। देखो सावित्री हम कुल बर्दाश्त कर सकी थे तुहार अपमान नहीं, घर द्वार के अब मोह मोहब्बत छोड़ दियो, अब वो अपन घर नहीं रही दे, ई घर अब बेकार हो चुका है, ई बदिया से हर फूल झर चुका है, यह घर में अब कोनो महक नहीं बा, चलो हमारे सबके लिए दुनिया संसार फैल है, जहाँ साथ तहे बिहान, चलो सावित्री यह घर से चलो। चलो घर से निकल गई, बड़ा आए हैं घर द्वार वाले, अब यह घर पे राज अकेले करबे, महारानी के तरह रहबे। भैया भौजी हमें अचानक देख के बहुत खुश हो गई है, चली भैया भौजी कितना दिन हुई दर्शन नहीं भय। ला 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 ला। अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे सहेली के आदमी हैं, अगर ये जेवर हमारे हाथ में देख ली है तो गड़बड़ हो जाए, अब का करी कहाँ छिपाई। अरे आप आई जेवर कैसे? आई जेवर हमारे हुए। ये जेवर आपके हुए, लेकिन ऐसा मेयर का हाल झाला हमारे मलकिन के रहा पहरत रहे, अब हो डिजाइन यहाँ मेयर ऐसा लागत बा कि हमारे मलकिन के हुआ। ये आपके मलकिन के नहीं हुआ, हम ऐसा मेयर का डिजाइन हम हूँ बनवाए हैं, आखिर हमार सहेली हुए आपके दुल्हन, तो दोनों सहेली इतने मेयर तो रहा जाए, वो हमार हुआ हमार। अच्छा अच्छा तो एक संभाल के लेके जाओ भले, नहीं रास्ते में चोरी वोरी हो जाए तो बहुत दिक्कत हुई, जाओ नहीं कहो तो हम आपके घर तक छोड़ दिए। जान बचे तो लाखों पाए, दादा बाज गए रहे नब्बे तो चोरी पकड़ जात। भैया भाभी। अरे आप आए गए, बहुत जल्दी ड्यूटी कई के आए गए, आप तो कहत रहे एक महीना के लिए बाहर जाई तो बा, अबहिन 15 दिन भाई। वो का है ना ड्यूटी अब खत्म हो गया इसीलिए जल्दी चला आया, वैसे भैया भौजी कहाँ है? अरे वो आप नहीं जाना था, जब आप ड्यूटी करे गए हो ना तो भैया भौजी चला गए चारों धाम करे, आपके फोन पे बताए भूल ही गए हम।
चारों धाम करे, लेकिन भैया भौजी हमसे जिक्र नहीं है कब भाव कि हम चारों धाम जावे। अरे वो काहे ना अचानक से बन गया ना, तब चला गए। अब चलो पानी पत्ता पियो, घर में आराम करो, थक गए हो अब। हाँ यार थक तो बहुत गए हैं। वैसे भैया कुत्ते लगे फोन पहले लगाए के बातचीत कर लिए, देखी क्या हाल चाल बात है। ओहो भैया भाभी के लगे बाद में बात कर लियो, तो भैया भाभी भागा जाता है। चलो पहले आराम करो, नाश्ता पानी करो, ओकरे बाद अपन अब्बा लगा लियो। अच्छा ठीक बात है। अब तो बड़ी समस्या बाय, कहूँ फोन लगाई न अपने भैया के लगे और ना लाग फोन, तब कौन बात बनाई बहाना। भगवान करे जल्दी लौट के आइबे न करे, हम कौनो न कौनो बहाना बनाए के इन्हें समझाई देवे। अब इतना जोखिम उठाए हैं तो बहाना बना बना तो बचे ही पड़ी, बस ज्यादा ना 2-3 महीना कौनो मेर बीत जाए, ओकरे बाद हम तो अपने पति समझाए लेवे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना संसार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना संसार, किसी का प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना संसार। अरे ये गाना तो हमारे भौजी गावत रहे, और ऐसा काहे हमें लगा था जैसे हमारे भैया भौजी। थोड़ा पास से जाई देखी आखिर हुए किए। अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे भैया भौजी हुए, और हमारे भैया भौजी का यही हाल कि भीख मांगा फिर रोड पे बैठ के। भैया भौजी। अरे केतन भैया। हाँ छटकन हमारे भैया। केतन भैया हमारे छटका दे रहा है। अरे हमारे भैया। ये तो भैया भौजी तोहरे सब के ई हाल हमें कुछ समझ में ना आए, आखिर तोहर ई हाल किस के, और इतना मजबूर तो हो गयो कि दोनों परानी रोडे बैठ के भीख मांगत बाते हो। अरे केतन भैया तू से का कही भैया, हमार हब ना कुछ पूछो, ना कुछ पूछो। बस भैया भौजी हमें सब चीज समझ में आई गए, तोहर ई हाल किए किस है हमें सब समझ में आई गए। अब और कुछ ना कहो, अब तोहरे दोनों परानी उठो और चलो हमरे साथे हमरे घरे। भाई तो भैया भौजी कटोरा हमारे होते हुए तू भीख मांग के खाबो, कब नहीं कटते ही नहीं, हमारे जिये धिक्कार है हमारे भाई भौजाई दर दर के ठोकर खाए और भीख मांग के खाए, हमारे जिये धिक्कार है भैया भौजी। चलो चलो तुहरे दोनों जने हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ है चले से पहले हमें कुछ काम करे थे। चलो चलो भैया भौजी। चंदर भैया घर से पहले निकलो भैया। अरे केतन बहुत दिन बाद आयो भाई हमार, हमें माफ कर दो हम तुम्हें घर से निकाल दिए रहे, क्षमा कर दो हमारे केतन भाई, तुम्हें देख के हमें बहुत खुशी महसूस हुआ तब आते। ये कौन मुंह लगा के आए हैं हमारे घर, का करे आए हो, तुम्हें कौन जरूरी रहा। भौजी हमसे बात ना करो, हम तुमसे बात करे ना आए हैं, हम चंदर भैया से आए हैं बात करे। चंदर भैया ये बताओ भैया भौजी कहाँ है। भैया भौजी तो आज यहाँ नहीं है। भौजी तू हमसे बात ना करो, हम भैया से पूछी थे, भैया कहाँ है, भैया भौजी बताओ हमें। अरे केतन भैया तो क्या नहीं पता है, भैया भौजी अपन चारों धाम करे गए हैं, तो मझिलकी भौजी पठाईस है। अच्छा तो भैया भौजी तो मझिलकी भौजी चारों धाम पठाई है। भैया भौजी आ जाओ, देखो भैया भौजी आ गए चारों धाम करे जौन गए हैं। अरे पाप रे पाप, अब हम कौन जवाब दे, ये दोनों परनिए कहां से आए गए दादा। अरे भैया भौजी की हाल ये कैसे, भैया भौजी तो चारों धाम गए रहे, फिर ऐसा हाल भैया भौजी का कैसा हो गया। वाह चंदर भैया वाह, तुम्हें अपने मेहरारू बहुत भरोसा रहा ना। हाँ तो भैया भौजी सड़क पे बैठ कर भीख मांगत रही, हाँ तुहार ई जोन मेहरारू ही भैया भौजी का चोरी का इल्जाम लगाए कर घर से बाहर निकाल दिए रही। ये तू का कहत बाप लोग केतन, हम सही कही था भैया, तुहार ई मेहरारू बहुत सातिर दिमाग कही, भैया भौजी के बाहर निकाल दी दर्दर के ठोकर खाए खाती। अरे जौन भैया भौजी तुम्हें मेहनत मजूरी कही कर पुलिस इंस्पेक्टर बनाई, खुद भूखा रह कर तुम्हें खिलाईन, खुद फटा चिटा पहिर के तुम्हें अच्छा कपड़ा पहराइन, उहे भैया भौजी का ई तुहार चालाक लोमड़ी औरत घर से बाहर फेंक दिए रही। केतन का कहत बात बताओ हमें, ऐसे किए है हमारे भैया भौजी के साथ, यतनी तो खतरनाक औरत है, हाँ
हमें नहीं पता रहा कि इंसान के रूप में नागिन है नागिन जौन हमारे भैया बाबू के भाभी के घर से निकाल दी है। ऐसे नाई कबूल में तो का हम कबुलवाई आपन जुलम कबूल ले ना तो आज तो का हम जिंदा नाई छोड़ब। यस औरत से हमें कौनो वास्ता नाई है। बताओ बताते हमारे भैया भौजी के साथ ऐसे किए है। तू सोच कैसे रही हो कि इतना कुछ करे बावजूद हम तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हें अपने घर में रह दिया। अब बहुत सकता ही नहीं, निकल जाओ यह घर से। यह घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जौन औरत हमारे भैया भाभी के घर से निकाल दी तोने के लिए हमारे जिंदगी में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ साथी औरत। यह चीजें तू नहीं सोच रही हूँ कि हमारे भैया भौजी घर से निकाल दे तो हमारे भैया भौजी कहाँ जाए है? है? हमसे झूठ बोली कि हम चारों धाम भेजे है। यह चुप चारों धाम करावत रही हमारे भैया भौजी का। एक दाई माफ कर दो चंदर हमारे कहे से। छटकी दुल्हन कहाँ जाए है, कैसे जाए है, नहीं ठीक परत है, क्या गरीब मने का सोची है। एक दाई माफ कर दो, गलती इंसान से होत है, माफ कर दो चंदर। हाँ चंदर माफ कर दो अपने मेहरारू के। देखियो जौन इंसान का तू घर से निकाल दी इंसान तुम्हें घर में रहे करती हमसे कहत बात है। सोचो हमारे भैया भौजी कितना महान इंसान है। हमें अपने गलती का एहसास हो गया, बहुत भारी हम गलती किए हैं, माफी लायक नहीं, लेकिन आप हमें माफ कर दियो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें पता चल गया परिवार के महत्व, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं हुई। आज आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुई तो ना तो रिश्तेदार में शेयर जरूर कर दियो। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो भैया बाबू बहनी लोग तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप लोग के नीक नीक स्टोरी कहानी देखत मिली रिंकी कार्टून चैनल पे। और हाँ भैया बाबू बहनी लोग, वीडियो बड़ा होए के नाते आज आप लोग के नाम ना ले जाई, कल वाले वीडियो में आप लोग के नाम जरूर ले जाई। तो देखत रहो रिंकी कार्टून चैनल, फिर मिलब एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय राम जय की।